ज्ञान का चले जब मंत्र छू छू, यही है नॉलेज का जंतर, छू मंत्र छू, आसमान को छू ले तू, छू मंत्र छू। इनसे बात नहीं करना, मम्मा ने इनसे दूर रहने को कहा था। सुबह सुबह इतना स्क्रीन टाइम नॉट गुड। हाँ, मुझे जानना है कि ये टीबी क्या है। मैम, क्या है ये टीबी? श्योर, ईवीएस क्लास में बताओ। आज हम बात करेंगे टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं। वैसे तो ज्यादातर टीबी हमारे फेफड़ों पर असर करती है, लेकिन ये आपके किसी और अंग में भी हो सकती है। टीबी का कीटाणु आपके शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित या संक्रमित कर सकता है, लेकिन फेफड़े वाली टीबी ही किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है, जैसे कि कोविड या फिर लंग्स की कोई और बीमारियां। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इस बीमारी का इलाज तो ढूंढ लिया है, लेकिन कुछ और भी है जिसने टीबी के मरीजों और उनके परिवार वालों को परेशान कर रखा है। ये कुछ और क्या है मैम? टीबी की दवाई से बीमारी तो खत्म हो जाती है, लेकिन उससे पैदा होने वाले भेदभाव के लिए कोई दवाई नहीं। आई विश किसी मैजिक से बीमारी के साथ साथ ये भी खत्म हो जाए। क्यों मंत्र जैसे? मैजिक से नहीं, लेकिन समझदारी और जानकारी से ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखना चाहोगी कि इस भेदभाव और स्टिग्मा से टीवी के मरीज और उनके परिवार वाले कैसे सामना कर रहे हैं? यस। नमस्कार। प्रणाम सरपंच जी। क्या हाल है भाई? जानकी कहाँ है? सुना है काफी दिनों से काम पर नहीं गई। मैंने सोचा कि चलो पता कर लेता हूँ। अरे हाँ, सब ठीक है, बस वो ना कुछ दिन के लिए अपने मौसी के घर गई है। अच्छा। जानकी, जानकी बेटा जरा बाहर तो आना। क्या हुआ बेटा? सरपंच जी, जानकी को ना 2 हफ्तों से खांसी और बुखार है, और उसका वजन भी कम हो रहा है। सुना है ये टीबी के लक्षण है। वो सबको पता ना चल जाए और वो हमसे मिलना जुलना ना छोड़ दे, और हम में से भी किसी को ना हो जाए, इसलिए हमने जानकी को ना एक कमरे में छुपा के रखा है। तुम लोग इसका इलाज नहीं करवा रहे हो? अरे हमारे गांव में ऐसा हो सकता है? मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हें पता है ना, हमने अपने गांव को टीबी मुक्त बनाने का वादा किया। जानकी, मास्क पहनो और हमारे साथ स्वास्थ्य केंद्र में चलो, डॉक्टर मैडम के पास। और हाँ, आप सब लोग भी हमारे साथ चलिए। और जानकी के पति देव जी, तुम तो खास कर, अरे बीवी की जिम्मेदारी है कि नहीं? अरे अब चलिए। जानकी, मुझे लगता है तुम्हें टीबी हो सकती है, पर घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन श्योर होने के लिए हमें तुम्हारे बलगम की जांच करनी होगी। एक बार टीबी कंफर्म हो जाए तो हम दवाई दे देंगे। जानकी, एक बात और, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपना मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ
जरूरी निर्देशों का पालन करना होगा और थोड़ा ध्यान रखना होगा बस। एक बात बहुत अच्छी है कि आप लोग एकदम सही समय पर आ गए। जितनी जल्दी जांच उतनी जल्दी इलाज और उतनी जल्दी तंदुरुस्ती। बाकी बातें आप लोगों को सुमन बता देंगी। टीबी के मरीज को भेदभाव और तनाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब टीबी के अच्छे इलाज के साथ सही जानकारी भी मिलती है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है और इसका भेदभाव भी खत्म होता जा रहा है। डॉक्टर से भी बात की इस बारे में, डॉक्टर ने हमें बताया कि बीमारी के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे उचित देखभाल और इसका बचाव करने से लोगों में यह संक्रमण नहीं होगा। आई एम रीरा शिलाई, आई एम फ्रॉम शिलांग एंड आई एम वन ऑफ द टीबी सर्वाइवर। अ गवर्नमेंट डॉक्टर आस्क्ड मी टू टेस्ट ऑन ट्यूबरक्लोसिस। ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैव माय मदर हु हैज बीन ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। मेरी बहू को टीबी हो गया था, उसके जैसे लोगों को पता चला तो लोग नफरत करते थे, दूर दूर भागते थे, लेकिन हमने उसका सही तरीके से उपचार करा और ठीक ढंग से हम टाइम टाइम पर उनको दवाइयाँ दी और मेरे घर वालों ने इतना सहयोग करा कि उसके कोई भी हमने कमी नहीं रखी। सो व्हाट आई टेल टू दिस पेशेंट्स इज अबाउट द सक्सेस स्टोरीज अबाउट द टीबी पेशेंट्स। मुझे टीबी डायग्नोज हुआ तो मेरे मंगेतर ने बोला कि ऐसा है कि आपको टीबी हो गई है तो हम शादी रद्द कर देते हैं। तो डॉक्टर ने बोली कि इस चीज़ का इलाज है, प्रॉपर डाइट ले सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं और इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। सब कुछ सही हुआ और फिर मेरी शादी तय हुई। मोर समस्त अनुरोध आपण भितर जदि कहार जख्मा लक्षण देखा जाउचे तुरंत परीक्षा करंतु, डाक्तर परामर्श अनुसार यथाशीघ्र मेडिसिन सेवन करंतु। टीबी है, ये बहुत खतरनाक है। हमसे दूर रहो, उसको मत आना, मत आना, मत आना। डर गए ना तुम भी, पर तुम्हारी गलती नहीं है। पता है टीबी से ज्यादा डर लोगों को उससे होने वाले भेदभाव, गलतफहमी और लोगों के नजरिए से लगता है। भेदभाव, लोगों का अलग नजरिया, ये क्या है? ये इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस देखो। आइए सुनते हैं कहानी जो है हजारों साल पुरानी। अरे भागो भागो, यमराज आया, साथ अपने लाया तीन दुष्टों की सेना। मैं यमराज और तीन मेरे साथ, एक है टीबी और जी और भी है बाकी। टीबी पता है पर जी और बी ये क्या बला है? जी याने गलत फहमी, बी याने भेदभाव, इसी से टीबी करती है लाखों को परेशान। सुनो सुनो सुनो, इन दोनों के डर से हमारे देश के भाई बहन सही समय पर टीबी की जांच नहीं करवाते और इस बीमारी का शिकार बनते हैं। दिस इज माई फैमिली और ये फ्रेंड्स की टोली, हो गई टीबी तो क्या होगा मेरा, ये रहती उनको फिकर और ना कट जाने से टेंशन से बढ़ जाता उनका प्रेशर। टीबी का सुन के नाम मालिक नौकरी से ना दे निकाल। कैसे होगी इसकी शादी, ये सोचे मेरी माँ क्या होगा इसके बच्चों का, सोचे फ्यूचर की सासू माँ। गरीब सोचता है कि मुझे टीबी हो गई तो मैं छुपा लूंगा और अमीर सोचता है कि ये सिर्फ दुबले पतले गरीब को ही होती है। अरे ये टीबी है, इसका बैक्टीरिया, जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, सोशल स्टेटस कुछ नहीं देखता, ये सिर्फ ड्रॉपलेट से फैलता है। अरे भाई टीबी छुआछूत की बीमारी नहीं, ये दोस्ती यारी खाने की थाली जादू की झप्पी से नहीं फैलती है। जरूरत है सही समय पर दवाई लेने की और भेदभाव को दूर करने की।
बच्चों, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, तो सब देखना चाहोगे? बच्चों बूढ़ो और जवान, इस बात का रखे ध्यान, टीवी का इलाज है बहुत आसान, ना करे मरीज को परेशान। ये मुन्ना बात नहीं सुनना, टीवी नहीं कोई सजा, सा हो सकता है किसी को नहीं इसका कोई भरोसा। टीवी का बैक्टीरिया नहीं देखता ऊंच नीच, ये करना है सबको सबको ही टीच। टेंशन को पेंशन पे भेज, जांच और इलाज पूरा करवाना है, पूरा करवाना है। ये टीवी पेशेंट नहीं, ये टीवी चैंपियन, ये टीवी चैंपियन, ये टीवी चैंपियन। बताना है सबको चिल्ला चिल्ला कर बताना है, अगर बोलने में किसी को हुई टीवी तो नहीं घबराना है। बच्चों बूढ़ो और जवान, इस बात का रखे ध्यान, टीवी का इलाज है बहुत आसान। बच्चों ये है हमारे ड्रामेटिक्स के टीचर रवि सर। सर को यहाँ पहले नहीं देखा मैम। स्कूल ज्वाइन करने के बाद रवि सर को टीबी डिटेक्ट हुआ, तो स्कूल ने उन्हें थोड़े दिन के लिए लीव दे दी, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है और इन्होंने स्कूल वापस ज्वाइन किया है। और इससे टीबी नहीं फैलती। वाओ, हाँ, अब तो मम्मी और भैया भी समझ गए हैं। आई एम हैप्पी आप ठीक हैं। और टीबी के बारे में लोगों के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। जी, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों टीबी चैंपियन इस देश में यही काम कर रहे हैं। टीबी चैंपियंस, जो लोग टीवी के साथ साथ उससे होने वाले भेदभाव, तनाव और गलत फहमी से भी लड़ते हैं, मिलना चाहोगी? टीवी चैंपियन बनी के बाद मैंने उस चीज को ज्वाइन किया कि जिसके थ्रू मैं लोगों से मतलब कांटेक्ट कर सकूं और उन्हें बता सकूं कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अगर इसका हम प्रॉपर इलाज करते हैं तो हम ठीक हो सकते हैं। Where we are concentrating on giving more awareness and spreading these stigmatized among the peoples. मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि टीवी के स्टिग्मा को हटाना है कि यह फैलने वाली बीमारी है और यह छुपाने वाली बीमारी है। अब मैं टीवी चैंपियन के रूप में कार्य करती हूँ, टीवी पेशेंट को अपनी कहानी के माध्यम से प्रोत्साहित करती हूँ और साथ ही उनको ठीक होने में उनका मनोबल बढ़ाती हूँ। मुझे टीवी चैंपियन भाव में काम करने समय देखिली जखमा रोग एक साधारण व्याधि नुहे, यह एक सामाजिक व्याधि। से मो अंचल मो समाज பாதிக்க பட்டவங்கள ஒதுக்காம நாம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து அவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தாலே 2025 இந்தியாவில இருந்தே டிபியை நாம ஒழிச்சிடலாம். ஆசமான கோ சூலே தூ சூ மந்தர் சூ ஓ லைஃப் ஜீலே தூ life jee le tu oh life jee